Hi guys, this is Avnitya from Things2do और आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्रियन फूड की. क्या लगा? वापस वड़ा पाव की बात कर रहे हैं. आता मी तुम्हाला दाखवते असल मराठी फूड काय असतं ते. ब्रेकफास्ट में सबसे ज़्यादा फेवरेट तो बॉस मेरा है पोहा. तो मैंने मेरी टीम से कहा कि कोई जगह ढूंढ लो जिधर बहुत बढ़िया पोहा सर्व करता हो. इसी बहाने वीडियो शूट भी हो जाएगा, मेरा दिल भी खुश हो जाएगा. फिर क्या, उन्होंने मुझे भेज दिया दादर प्रकाश उपहार केंद्र एंड उनका दावा है दैट दे सर्व अमेजिंग पोहा. ये निराशा देख रहे हो मेरे चेहरे पर. मैं उस जगह गई, पोहा तो चलो अच्छा था बट इतना कम क्वांटिटी और वो भी इतना महंगा. इस बार मेरी टीम ने ना सही जगह लेकर नहीं गए, बट कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया मैंने. अब कमेंट्स में मेरी टीम को गाली मत देना प्लीज़. सो द नेक्स्ट डिश दैट आई एम ट्राइंग, इट इज़ नोन एज, वेट आई नो, इट्स कोथमीर वड़ी. ओह सॉरी, इट्स नोन एज कोथिंबीर वड़ी. वेल ये जो डिश है मुझे बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया सिंस यू ट्राइंग महाराष्ट्रियन डिशेज. This is one snack that you should not miss out and I'm going to taste it and I'll let you know ki mujhe kaisa laga. So humne Kothimbir vadi Aaswad mein try ki and ye place itni bhari hui thi, matlab log bahut dur dur se aa rahe the and they were like literally scavenging for this place. Since it was the first time I tried it, mujhe bahut achhi lagi. The chutney also which was served, wo thi lahsun ki chutney, wo bhi bahut hi badhiya thi. And if you think that you know any better place which serves much better Kothimbir vadi, let me know in the comment section down below. Maharashtrian food के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो भाव मछली के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा. इसके लिए मैं आई हूँ गोमांतक बोर्डिंग हाउस दादर में, जो सर्व करते हैं एकदम बढ़िया सी फिश थाली. एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रही हूँ, चलो चलते हैं. तो यहाँ पे हमने ऑर्डर की थी गोमांतक की स्पेशल फिश थाली. उस थाली में सब कुछ था, प्रॉन से लेके फिश से लेके क्रैब से लेके एवरीथिंग. एंड बॉस, मेरे कैमरामैन ने ये जगह ढूंढी, उसको मैं साक्षात धन्यवाद करना चाहूँगी. है वो वेजिटेरियन बट स्टिल ये जगह लाइक दिल को खुश कर दिया यार. अंदर से ग्लो आ रहा है, मतलब मेरा पेट भर गया था बट आई कुडंट स्टॉप ईटिंग. इट वॉज अमेजिंग. देखो बॉस, आप सब लोग ने पाव भाजी तो खाई होगी पर आपको पता पाव भाजी की ओरिजिन कहाँ से होती है? इट इज़ राइट हियर इन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया. तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप पाव भाजी का पहला बाइट लोगे ना तो जय महाराष्ट्र बोलना तो मैंडेड है. और हम अब है अचीजा में, जो कि बहुत ही बढ़िया पाव भाजी सर्व करते हैं. लेट्स चेक इट आउट. हमने यहाँ ऑर्डर की मसाला पाव भाजी. द ओनली सैड पार्ट वॉज जो मसाला पाव था उसके अंदर नमक थोड़ा ज़्यादा था, बट द भाजी वो सो डिलिशियस, सो बटरी, मतलब मज़ा आ गया. एंड पाव भाजी तो एक ऐसी डिश है जो सबकी फेवरेट है, बच्चों से लेके बुढ़े तक. तो वेल, आपकी कौन सी फेवरेट पाव भाजी डेस्टिनेशन है वो हमें बताना मत भूलना बाई कॉमेंटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो. श्रावण का महीना ख़त्म होने को है, मतलब त्योहारों का आगमन जल्दी ही शुरू होने वाला है. और इसका मतलब ये भी है कि हर महाराष्ट्र के घर पे अब पूरणपोली बन रही होगी. और अगर आपके घर पे नहीं बन रही है तो क्या टेंशन है, मी मराठी आजा नाच बेले पार्ले इस जो सर्व करते एकदम बढ़िया सी पूरणपोली. आइए देखते हैं. ये पूरणपोली इतनी सही है ना, इसकी लेयरिंग इतनी पतली है, ये बोनस पॉइंट है. पता है क्यों? क्योंकि जो अंदर का स्टफिंग है ना उसका फ्लेवर जो उभर गया था ना, बाय गॉड बढ़िया एकदम. ही पुरणपोली एवढी चांगली होती की मी हे खाण्यासाठी इकडे परत येणार. मिसल का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो सबसे पहली जगह आती है वो है मामलेदार मिसल. मामलेदार मिसल का मामला ही कुछ जंजनित है और ये मिसल अब हर जगह पाया जाता है. इसके लिए हम आए हैं कांदिवली महावीर नगर. साहेब बघा, ही मिसल खूपच तिखट आहे, एवढी की मला बोलायला पण होत नाही. तो बॉस, सिंपल सी बात है, अगर आपको तीखा पसंद है आ जाओ इधर, बट पारस पैकअप, आई नीड वॉटर, आई कांट.
तो हम आए हैं गिरगांव कट्टा, जो कि है बोरीवली में। यहाँ की स्पेशलिटी पता है खाने से ज़्यादा क्या है? इनका मेन्यू। बिकॉज यहाँ पे वो अपने फूड को स्टार्टर्स, मेन कोर्स, वेज, नॉन वेज की तरह कैटेगराइज नहीं करते, बट इमोशंस की तरह, जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पे जो कैटेगरी वो है चटाकेदार, झनझनी एंड मेनी मोर डिफरेंट कैटेगरी। सो दिस साबुदाना वड़ा कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सात्विक फरार, विच मीन्स इट्स अ फास्टिंग फूड। And you know what, a lot of restaurants, they do not serve like good fasting food, but iska taste, it is so similar to what my mom makes. So, hell yes, I love it. Bhook lagli ka? Zevla ka? Video like kela ka? Channel la subscribe kela ka? Nice! Ka?